बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हम अपनी वर्ड स्टोरीज़ में आगे चलते हैं, थोड़ा सा कुछ और वर्ड सीखते हैं। हमारे ऑडियंस है मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट की क्लास, ताकि बच्चों को ये लफ्ज़ सिखाए जाएं, ताकि उनकी वोकेबलरी में उनको कनेक्शंस नज़र आएं एंड इट एक्सपेंड्स देयर वोकेबलरी। ईट, कार्निवरस एक वर्ड होता है, कार्निवोरस हम पढ़ते हैं लेकिन तलफ़ुज़ तो उसका कार्निवरस है। कार्नी मतलब होता है असल में गोश्त, ठीक है ना, मीट, फ्लैश, व्हाटएवर, तो जो गोश्त खोर जानवर होते हैं जिनको हम कहते हैं, जैसे इसी से लफ्ज़ से कार्नेज भी निकला है। कार्नेज होता है कत्ल, खून बहाना, ठीक। हर्बी, हर्ब होते हैं ना, हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटियां, बूटियां, हर्बी वोर जो हर्ब्स खाते हैं, जो सब्जी खोर जानवर होते हैं। ओमनीवोर जो सब कुछ खाते हैं। इंसान क्या है, हर्बी वोर है, कार्निवोर है या ओमनीवोर है? ओमनीवोर है, ठीक है। और इससे एक लफ्ज़ निकला है वोरेशियस, जो बहुत ज़्यादा खाता हो, वोरेसिटी। वैसे एक लफ्ज़ ग्लटनस भी होता है, इनसेशियबल भी होता है, सेशियटी होता है, सेर होना, जिसको आप उर्दू में कहते हैं ना, हम उर्दू में कहते हैं सेर होकर खाए, जो सेर ना हो, इनसेशियबल। और ये हर लफ्ज़ जो है ना, वो अक्सर अल्फाज लिटरल मानों भी इस्तेमाल होते हैं जो उनके असल मायने हैं, और वो मेटाफोरिकल और फिगरेटिव यानी कि इस्तलाहन एक तो होता है ना, यानी उसको अदब के तौर पर इस्तेमाल होना। जैसे वो बहुत ज़्यादा उसे पढ़ने का शौक़ है, तो कहते हैं इज़ ए वोरेशियस रीडर। तो ये खाने के अलावा भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ओरिजिनली ये वर्ड खाने से आया। तो जो लोग सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं तो उनको कहते हैं वेजिटेरियन, लेकिन इसकी कई वेराइटीज़ हैं। बाद लोग वेजिटेबल खा लेते हैं लेकिन वो जानवर नहीं खाते, लेकिन अंडे खा लेते हैं, ठीक है, कुछ उनमें से चिकन भी खा लेते हैं, तो उनको फिर फ्लेक्सिटेरियन कहते हैं कि ये तो फ्लेक्सिबल है, कभी खा लेता है कभी नहीं खाता, ठीक है ना। जो बिल्कुल सिर्फ वेजिटेबल खाते हैं और जानवरों की कोई चीज़ नहीं खाते, उनको वेगन कहते हैं। जो सिर्फ मछलियां खा सकते हैं, ठीक है ना, फिश खा लेते हैं, फिश का गोश्त और बाकी सिर्फ सब्जियां, तो उनको पेस्केटेरियन कहते हैं। पाइसेस आपने सुना होगा, पाइसेस, चलें नहीं सुना हुआ तो छोड़ दें इसको, लेकिन पाइसेस होते हैं वो जो सितारों के निशान नहीं बनाते कि जी इसका फलाने का ये सितारा है, फलाने का ये सितारा है, किसी का लियो सितारा है तो किसी को, वो असल में सितारों की उस महीने में वो शक्ल आ रही होती है उस किस्म की, वरना कोई एक भी नहीं, कोई तो लियो मैंने लायन की शक्ल आ रही होती है, तो पाइसेस भी एक है ना, पाइसेस का मतलब फ़िश, को फ़िश की शक्ल, तो वहाँ से निकला पेस्केटेरियन। तो ये बात हुई। और फ्रूटेरियन, जो फ्रूट खाता हो, हु लिव्स ऑन फ्रूट, ठीक। वैसे एक लफ्ज़ मीटाटेरियन भी किसी ने, ये वेबस्टर ने इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री लिखी है। एनीवे, ये वेजिटेरियन, वेगन, पेस्केटेरियन, फ्लेक्सिटेरियन, फ्रूटेरियन, ये वर्ड हैं, एग्जिस्ट करते हैं। स्पिरिट जो होती है बंदे की, स्पिरिट, यूनैनिमस, यूनी का मतलब होता है ना एक, ठीक है ना, यूनिकॉर्न, वो जो एक सिंग वाला है कोई जानवर होता है, यूनिकॉर्न, यूनिसन, हम इकट्ठे होके बोले, इन यूनिसन, यूनिटी, यूनिट, वन, तो ये सारे एक ही तरह से यूनी, तो यूनैनिमस, एक ही स्पिरिट होना, इकट्ठे होना, यूनैनिमिटी, ठीक है ना, ये यूनैनिमस है, नए पे जोर है यूनैनिमस, लेकिन यूनैनिमिटी, जिस तरह इमिटी, इक्विटी, इसिटी के वर्डों में, इसी तरह ईटी से पहले वाली सिलेबल पे होता है इक्वनिमिटी, इक्वल, बराबर, जो जिसकी स्पिरिट सेम रहे, जैसे हम कहते हैं ना वो इमोशंस ऊपर नीचे होते हैं लेकिन इमोशंस को कंट्रोल करके दरमियान में रखना होता है, तो वो होता है बंदा इक्वानिमस, जो पॉइज और कंपोजर रखे, ठीक है ना, सेल्फ कंट्रोल, एप्लॉम भी कहते हैं इसको। एनिमस असल में स्पिरिट को कहते हैं, ठीक है ना, लेकिन एनिमस का जो वर्ड जिस तरह यूज़ होता है वो बुरी स्पिरिट और एनिमोसिटी के माने में यूज़ होता है, यानी दुश्मनी, एंटेगोनिज्म, हॉस्टिलिटी, ठीक है ना, दुश्मनी, एनिमोसिटी, एनिमी, एनिमी जैसे होता है ना, एनिमी से एनिमोसिटी। तो एक और एक दो लफ्ज़ सीखते हैं। फटीग होता है ना, थकावट हो जाना, इनडिफटिगेबल, जिसको फटीग ना हो, जिसको, जो थके ही ना, अनथक, ठीक है ना, अनथक होने की ये सलाहियत है, अनटायरिंग, टायरिंग होता है ना, टायरिंग एफर्ट, थका देने वाली, ठीक, रिलेंटलेस जिसको कहते हैं, डिटर्मिंड, इनएक्सोरेबल। तो ये अच्छा लफ्ज़ है, सारे अच्छे लफ्ज़ हैं, मतलब वो हम एक्सपोज कर रहे हैं ताकि फिर ये याद हो जाते हैं आस्ते आस्ते ना, जब हम इनको दो तीन दफ़ा पढ़ते हैं विद अ गैप ऑफ अ वीक एंड अ मंथ, और आप इसके फ्लैश कार्ड या अपनी वोकैबुलरी में लिखेंगे, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी एंड यू नेवर फॉरगेट। आई रेड दिस वर्ड 10-20 इयर्स बैक एंड आई डिडंट फॉरगेट इट। आई मीन वॉइस रॉय, वॉइस
का मतलब होता है की जगह पे, रॉय रीगल रॉयल, ठीक है ना। तो वॉयस रॉय यानी बादशाह की जगह पे जो बंदा आता है उसको क्या कहते हैं, वॉयस रॉय। वो बादशाह नहीं होता, वो बादशाह के का नुमाइंदा होता है। ये एक लफ्ज होता है ना, इसको वाइस वर्सा भी पढ़ते हैं और वाइस वर्सा भी पढ़ते हैं, दोनों ठीक है। देख लेते हैं, ठहरे, हाँ वाइस वर्सा, वाइस वर्सा, तो वाइस वर्सा, वाइस वर्सा। तो वाइस वर्स भी है और वाइसी वर्स भी है, ठीक है ना। तो वाइकर पुराने ज़माने में एक इंग्लैंड के उसमें होते थे, जिनको चर्च के इर्द गिर्द और ज़मीन शमीन मिल जाती थी, जिस तरह बिशप्स एंड उनके वाइकर, ठीक है ना। क्योंकि उस वक्त चर्च बहुत ज़्यादा हर चीज़ में ही होता था ना, पॉलिटिक्स में, गवर्नमेंट में। तो वाइकेरियस एक होता है नॉलेज जो हम खुद जा के हासिल करते हैं और हमने वो चीज़ देखी होती है, तजर्बा किया होता है, सब कुछ। एक होता है जो सुना हुआ नॉलेज, तो उसको कहते हैं वाइकेरियस नॉलेज, इनडायरेक्ट नॉलेज, वाइक वाइस की जगह पे सेकेंड हैंड नॉलेज, ठीक है ना। तो कुछ वर्ड और कर लेते हैं। पोटेंट ताकत वाला, पोटेंसी, इस दवाई की पोटेंसी कितनी है। ओमनिपोटेंट जिसको सारी ताकत हो, कंप्लीट गॉड के बारे में कह सकते हैं, गॉड इज ओमनिपोटेंट, इज ओमनिपोटेंस, ठीक है ना। इम उलट जैसे पॉसिबल है ना, तो पॉसिबल का उलट हम क्या होता है, इम इम्पॉसिबल, ठीक है ना। इम लगाने से स्ट्रेस वहीं रहता है, इम्पॉसिबल, ठीक है ना। पर्टिनेंट मुतलका, इम्पर्टिनेंट गैर मुतलका, ना मुतलका, ठीक है। तो इम्पोटेंट और इम्पोटेंस, ये इम पे जोर है। इम्पोटेंट इम्पोटेंस जो जिसमें ताकत की कमी हो, बाज़ुकात ये जो सेक्सुअल वीकनेस होती है उसके लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो ओमनी हर जगह, ओमनी बस मीन्स जो हर जगह बस एक सारे शहर में आपको नज़र आती है, ओमनी बस। वैसे ये जैसे लॉ में भी यूज़ होता है कि ये ओमनी बस क्लाज है, ओमनी बस की शिक है। ओमनी बस का मतलब है कि इसमें वो चीज़ें मैंशन की गई हैं जो ऊपर कहीं मैंशन नहीं की गई, तो उस तरह भी होता है। इसी तरह का एक वर्ड है यूबिकटस, जो हर जगह पे अवेलेबल हो। मैं मलेशिया में एक मसलन कस्टम वालों ने अपने प्रोग्राम का नाम रखा हुआ यू कस्टम, यूबिकटस कस्टम, कस्टम विच इज़ एक्सेसिबल एनीवेयर इन द कंट्री ऑन एनी डिवाइस, ठीक है ना। तो वो हर जगह पे आप कहीं भी जाके अपने कस्टम के साथ अपने ऑनलाइन काम कर सकते हैं। तो यूबिकिटी, यूबिकटस कस्टम, ये तो खैर यहाँ वैसे ही आ गया। इनिक्विटस, इनिक्विटस तो ना इक्वल होना यानी अनफेयर होना, रॉन्ग और अनफेयर के माने में, बट ये थोड़ा सा इससे हट के था। तो ये हैं जी, इस सेशन में हम यही अल्फाज करेंगे और इंशाल्लाह फिर वी मूव ऑन।